नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो जो है एक ऑन डिमांड वीडियो है। आरपीएससी का जो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का राजनीति विज्ञान का पेपर हुआ था, उसकी आंसर की या उसके क्वेश्चन पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो नहीं होगा, सीधे क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम बताएंगे। कुछ त्रुटियां हो सकती हैं तो उन्हें आप नज़रअंदाज करें या अपने हिसाब से एडजस्ट करें। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि पेपर का जो है वो बिल्कुल त्रुटि रहित रहे। तो पहला सवाल है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के गठन के बाद किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा? तो इसका आंसर होगा टीकाराम पालीवाल। अगला सवाल है, वार्ड समितियों के गठन के लिए नगर पालिका की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? इसका उत्तर होगा 3 लाख। किस अनुच्छेद का संबंध 11वीं अनुसूची से है? तो 243G या 243(6) इसका उत्तर होगा। किस संघ राज्य क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो इसका जो आंसर होगा, चंडीगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। दादरा और नगर हवेली में कंफ्यूजन है, एक्चुअली शायद त्रिस्तरीय है या आंसर इसका मेरे ख्याल से ए बी एंड सी होना चाहिए। दादरा नगर हवेली का कंफर्म नहीं है कि वहाँ त्रिस्तरीय है या नहीं, तो ये आप चेक कर लेना प्लीज। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा अनुच्छेद जो है नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा 243R या 243D। कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति के गठन का उल्लेख करता है? 243ZC या ये गए ये सॉरी ये आंसर नहीं होगा, ये गलत मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर होगा 6th का, 243ZD। प्रभावी दलीय व्यवस्था किसने कहा? तो मॉरिस जोन्स ने कहा। एक दलीय व्यवस्था रजनी कोठारी, ये पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया द डेवलपमेंट ऑफ ए मल्टी पार्टी सिस्टम, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। सॉरी सॉरी, ये अगेन एक मिस्टेक हो गया, दिस इज नॉट रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। इसका जो आंसर होगा मायरन वीनर होगा, तो ये जो है इसको आप गलत माने, इसका सही आंसर मायरन वीनर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, साश्चर्य विहीन लोकतंत्र किसने जो है डेमोक्रेसी विदाउट एसोसिएशन कहा है? तो प्रदीप के छिब्बर ने कहा है। उद्देश्य का उत्कृष्ट गद्य काव्य है? नहीं, यह परिपूर्णता की तस्वीर है। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है, शस्त्र सज्जित शांति का काल। तो इसलिए जो है शीत युद्ध का काल जो है शस्त्र सज्जित शांति का होगा, दोनों तरफ हथियार तने हुए थे, फिर भी जो है बैलेंस बना हुआ था, एक प्रकार की शांति थी, तो उस काल को जो है शस्त्र सज्जित शांति काल कहा जाता है। 13 का सवाल है कि कौन सा युग्म शीत युद्ध के संदर्भ में सही नहीं है? क्यूबा मिसाइल संकल्प 1961 में हुआ था, ठीक है। वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप लगभग 20 साल तक, 54 से 75 तक या 55 से 75 तक भी कहीं आता है। ये क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में, बे ऑफ बिग्स पर आक्रमण जो है 1961 में हुआ था। डोमिनियन रिपब्लिक में हस्तक्षेप जो है 1965 में हुआ था, और 1966 में वहां सरकार का गठन भी हो गया था। तो इसका सही आंसर जो है 4 होगा। अगले सवाल पर आते हैं, द कोल्ड वॉर हाउ द ग्लोबल एनर्जी ट्रेड स्लिप्ड फ्रॉम अमेरिकाज ग्रास्प। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मरीन कटूसा।
15 किसने दृढ़ता पूर्वक ये तर्क दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका की निवारक नीति केवल तब प्रभावी हो सकती है जब आश्वस्त विनाश करने के लिए वास्तविक क्षमता के साथ खतरनाक परमाणु प्रतिशोध को पूरा करने की वास्तविक इच्छा हो। खतरनाक हिंदी अनुवाद किया है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा रॉबर्ट मैकन मारा होगा। रॉबर्ट मैकन मारा जो है, जब क्यूबा मिसाइल संकट हुआ उस समय अमेरिका की फॉरेन सेक्रेटरी थी। तो क्यूबा मिसाइल संकट से पहले अमेरिका की परमाणु नीति ये रहती थी कि मिसाइलों को खाली जगहों या जनशून्य स्थानों की ओर तैनात किया जाए। मैकन मारा ने जो है इस पॉलिसी को शिफ्ट किया। उन्होंने कहा कि मिसाइलों को जो है यूएस को ऐसे तैनात करना चाहिए कि अगर उन्हें छोड़ने की नौबत आ जाए तो रशिया की कम से कम एक तिहाई आबादी खत्म हो जाए। और इस पॉलिसी को ही आश्वस्त विनाश या म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कहा गया। शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1950 में ये जो है लाया गया था। पीस बिल्डिंग कमीशन, यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन की स्थापना 2005 में हुई। ठीक है, अगला सवाल है, सार्क कन्वेंशन सेपरेशन ऑफ टेररिज्म एक्ट कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1993। अच्छा, जब भी कभी किसी एक्ट कब लागू हुआ कब, तो इसके लिए आप रेफरेंस में एक वेबसाइट है indiacode.nic.in, इसको विजिट करें, उसमें उस एक्ट का नाम डालें, वहाँ जो है सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। किस डेट से लागू हुआ था, एक्ट का नाम क्या था, कौन सी मिनिस्ट्री उस एक्ट को डील कर रही है, तो आप वहां से इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आसियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सदस्य संख्या 10 है, स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी और ये संस्थापक सदस्य हैं, तो सारे कथन जो है सही है इसकी हमारे। थोड़ा सी गुटनिरपेक्ष आंदोलन दक्षिण दक्षिण तकनीकी सहयोग केंद्र, नॉन अलाई मूवमेंट सेंटर फॉर साउथ साउथ टेक्निकल, साउथ साउथ टेक्निकल कोऑपरेशन, जो ये जो विचार है ये एक्चुअली इंडोनेशिया का विचार है, इंडोनेशिया ने प्रपोज किया था। अगला सवाल है, मेकिंग इंडिया ग्रेट द प्रोमिस ऑफ ए रिलक्टेंट ग्लोबल पावर किसने लिखी? तो इसके लेखक हैं या लेखिका हैं अपर्णा पांडे, हमारे आरपीएससी के एग्जामिनर ने अर्पणा कर दिया है, ये अपर्णा पांडे हैं। इसका सही आंसर डी होगा या 4 होगा। आमतौर पर हमारी नीति ताकत की राजनीति से अपने आप को अलग अलग रखने और महाशक्तियों के एक खेमे के विरुद्ध दूसरे खेमे में शामिल न होने की है। नेहरू जी की नीति थी गुटनिरपेक्ष, किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। भारत ने फरवरी 2020 में किस पड़ोसी देश की राष्ट्रीय पहचान पत्र परियोजना को आधार आधारित तकनीकी सहायता, म्यांमार को ये साथ ही एग्रीमेंट हुआ था कि वहाँ का जो नेशनल आईडी प्रोडक्ट है प्रोजेक्ट है उसमें भारत सहयोग देगा। भारत भूटान संबंधों की स्वर्ण जयंती यानी 50 साल कब पूरे हुए? तो इसका सही उत्तर होगा 2018। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। वर्ष 2015 में किस देश के साथ सीमा व्यापार के लिए लिपु लेख दर्रा खोलने पर समझौता हुआ? चीन। अब यहाँ ये सवाल क्यों आया था, इसका संभावित कारण ये हो सकता है कि नेपाल काला पानी चिल्ला रहा था, तो उसी काला पानी के पास ही ये लिपु लेख दर्रा है जो ट्रेड के लिए भारत और चीन ने खोला 2015 में। 2015 से ही नेपाल जो है आपत्ति जता रहा है इस पर, तो ये थोड़ा चर्चा में था, इस वजह से यह आया है। भारत के सीमा सड़क संगठन ने किस देश में 220 किलोमीटर लंबे जरांज डेलराम सड़क परियोजना को पूर्ण किया है? अफगानिस्तान में किया है। ये जो है सड़क परियोजना चाबहार से कनेक्टिविटी, ईरान के चाबहार बंदरगाह से, और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। चाबहार भी अभी जो है
ईरान के कंटेक्स्ट में चर्चा में था, क्योंकि वहाँ चाबहार जो रोड परियोजना है, कुछ प्रोजेक्ट जो है ईरान ने चाइना को दे दिया है। इसके बाद आता है कौन सा आधुनिक इतिहासवादी राजनीतिक लेखन के संदर्भ में डेविड ईस्टन द्वारा वर्णित निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल से भौतिकवादी डनिंग या मेटलिस्ट डनिंग इसका आंसर होना चाहिए। राजनीति सिद्धांत न तो न्यूनतावादी है, न व्यवहारवादी, न कट्टरवादी विचारधारा। दांते जर्मिनो ने ये कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। किस दृष्टिकोण से का यह विचार है कि विचारक और लेखक अपने समय के उत्पाद होते हैं? तो कंटेक्स्ट, राइटर किस कंटेक्स्ट में लिखता है, यह बहुत ही मैटर करता है। किस संदर्भ में लिख रहा है, वो परिस्थितियां उसके लेखन को प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लंबा चौड़ा प्रश्न है, पढ़ूंगा तो समय जाया होगा, इसलिए आंसर इसका होगा बी। समुदायवादी दृष्टिकोण के मुख्य प्रवर्तकों में शामिल नहीं है, तो रॉबर्ट डॉल जो है इसके प्रवर्तकों में शामिल नहीं है। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी, गंदा सा हिंदी अनुवाद किया है इसका, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी निकोलस पोलंजा, इसके साथ, सॉरी सॉरी, ये भी गलत हो गया। रॉल्फ मिलीबैंड जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इसका आंसर मुझे पता नहीं है, तो आप अपने हिसाब से इसको देखें क्या होगा आंसर। अगला सवाल है, किसने जो है राज्य को राजनीतिक समाज और नागरिक समाज का योग कहा है? तो ग्राम्सी ने ऐसा कहा है। सिविल सोसाइटी पर बहुत ज्यादा फोकस जो है ग्राम्सी का रहा है। युद्ध राज्य का निर्माण करता है, राज्य युद्ध करते हैं, किसने कहा? चार्ल्स टिली ने कहा। राज्य विहीन राज्य का सिद्धांत, फुकोल्ट। सॉवरनिटी ऑर्गेनाइज्ड हिपोक्रेसी, स्टीफन डी क्रेसनर। समाजवादी बहुलवाद या सोशलिस्ट प्लूरलिज्म, तो इसका आंसर जो है मेरे ख्याल से पोलमीरो टोगालियाटी होना चाहिए। ये जो है इटली के एक सोशलिस्ट लीडर थे, एक्साइल होकर के सोवियत भी गए, इनके ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया मुसोलिनी ने, फिर दोबारा ये इटली आए और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया। तो ये आंसर होना चाहिए, कंफर्म नहीं है। किस विचारक ने सत्ता की आलोचना करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का कोई प्राकृतिक छोर नहीं है, इसलिए कोई न्याय या न्यायपूर्ण सत्ता नहीं है, केवल शक्ति का बोलबाला है? फ्रेडरिक नीत्शे। संकट की प्रवृत्तियों की पहचान का दावा किसने किया? तो जुर्गन हैवरमास ने जो है ये दावा किया था। ब्रूस गिली की पुस्तक द राइट टू रूल, हाउ स्टेट्स बीन विन एंड लूज लेजिटिमेसी। वैधता के कितने सब टाइप्स बताए हैं? तो लेजिटिमेसी, जस्टिफिकेशन एंड कंसेंट, यानी इसका जो आंसर होगा कानून सम्मत, औचित्य और सहमति। किस देश के कार्यपालक राष्ट्रपति के लिए दो टोपी पहनने की संज्ञा नहीं दी जा सकती? दो टोपी पहने, अब यहाँ देखिए, रूस के राष्ट्रपति को काफी शक्तियां होती हैं, जर्मनी में राष्ट्रपति होता नहीं, रूस में प्रधानमंत्री नाम मात्र का ही होता है। यहाँ जो है सही आंसर मेरे ख्याल से अमेरिका होगा। 43 है,
किसका कहना है कि अमेरिकी व्यवस्था शक्तियों के पृथक्करण में से एक नहीं है, बल्कि ये सत्ता साझा करने वाले पृथक प्राधिकारियों की एक व्यवस्था है? टॉकविले साहब का ये कहना है। निम्नांकित विद्वानों में से कौन सा विद्वान ये स्वीकार करता है कि शासन की सभी व्यवस्थाएं एक अर्थ में कुलीन तंत्री हैं, ओलिगार्किक हैं, क्योंकि इसमें वास्तविक रूप से हर किसी के लिए समान रूप से निर्णय लेना असंभव है? तो मोरिस, ये भी मुझे कंफर्म नहीं है, इसका आंसर मोरिस डुवर्जर होना चाहिए। प्रधानमंत्री ये सरकार किसने कहा है? तो रिचर्ड ग्रॉसमैन ने जो है ये शब्द सबसे पहले इस्तेमाल किया था। इसके बाद ये प्रश्न जो है एक मेरी जद से बाहर है, मैं इसका उत्तर नहीं खोज पाया हूं, तो यह आप अपने तरीके से देखें। अगला सवाल है, चेंटल मुफे और अर्नेस्टो लोकलाउ के अनुसार निम्नलिखित में से लोकतंत्र का मुख्य काम यह है कि वह स्वतंत्रता और पूर्ण समानता के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हर तरह के दमन और अधीनता के खिलाफ संघर्ष करे, दमन अधीनता को जड़ से उखाड़ फेंके, रेडिकल डेमोक्रेसी, आमूलवादी लोकतंत्र। तानाशाही एक व्यक्ति की सरकार है जिसने मुख्य रूप से अपनी स्थिति विरासत द्वारा प्राप्त नहीं की है, अपितु बल या सहमति से और सामान्य रूप से दोनों के संयोजन से प्राप्त की है। तो हन्ना आरेंट का यह विचार है। कौन सा देश की सरकार संसदीय प्रणाली का उदाहरण नहीं है? असममित संघवाद शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? तो इसका उत्तर होगा चार्ल्स टी टाल्टन। एकीकृत बनाम विभाजित सरकार, यूनिफाइड वर्सेस डिवाइडेड गवर्नमेंट, किससे संबंधित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। किन विचारकों में निम्नांकित विचारकों में से किसने राजनीतिक दल को मनुष्य के निकाय के रूप में वर्णित किया जो सभी कुछ विशेष सिद्धांतों पर सहमत है? एडमंड बर्क। दबाव समूह के प्रभाव को निर्धारित करने वाले कारक हैं, तो राजनीतिक संस्कृति भी निर्धारित करती है, संस्थागत रचना भी, दलीय प्रणाली की प्रकृति, दल कैसे हैं, और लोक नीति भी प्रभावित करती है। तो चारों आएंगे इसमें। फिफ्टी फोर का अभी देखते हैं। राजनीतिक दलों को मुख्य रूप से हित के अभिकरण बताता है एजेंसीज ऑफ इंटरेस्ट, कौन बताते हैं? तो गैब्रियल आमंड कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आर एजेंसीज ऑफ इंटरेस्ट। पार्टी सूची आनुपातिक प्रतिनिधित्व में स्थान या सीटें आवंटित करने के लिए एक उच्चतम औसत विधि को किस पद्धति के रूप में जाना जाता है? हेगन बाच विशॉफ पद्धति। निम्नांकित में से किन विद्वानों ने तर्क दिया है कि लोग हित समूहों में लोक हित के लिए शामिल होते हैं? ये तर्क दिया है एम अल्सेन ने। पश्चिमी विचार या तो प्लेटोवादी हैं या प्लेटो विरोधी हैं, पॉपर साहब ने ऐसा कहा है। राज्य का हित और व्यक्ति का हित अविभाज्य है, तो अरस्तु। राजनीति वह राज्य को आवश्यक सैनिक संदर्भ में समझता है, इस बात पर जोर देता है कि अच्छे शस्त्र, अच्छा सैनिक संगठन राज्य के आधार है और उतने जरूरी हैं जितना एक जरूरी एक अच्छा कानून है। मैं क्या बोलूं? निम्नांकित विचारकों में से किस विचारक ने होब्स को बुर्जुआ बाजार समाज के रूप में चित्रित करते हुए उनके प्राकृतिक व्यक्ति को उखड़ा हुआ मनुष्य बताया है? मैकफर्सन साहब कड़े आलोचक हैं होब्स के। लोक के लिए प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत अधिकार। कौटिल्य के अनुसार राजा के पास पैसा भी होना चाहिए, सैनिक शक्ति भी होनी चाहिए और बुद्धि भी होनी चाहिए। बल, बुद्धि और धन तीनों चीजें होनी चाहिए।
पॉवर्टी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी। एशिया में समाजवादी आंदोलन राष्ट्रवाद का शत्रु है, किसने कहा? अब भारत में समाजवादी आंदोलन की मुख्य धारा में जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए लोग थे, उनमें जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव प्रमुख थे। जयप्रकाश नारायण जो है कम्युनिस्ट विचारों से प्रभावित थे अपने शुरुआती दौर में, लेकिन नरेंद्र देव जो है राष्ट्रवाद को नहीं छोड़ना चाहते थे, यानी नरेंद्र देव की राष्ट्रवाद के साथ जो है राष्ट्रवाद के साथ लगाव था। तो इसका उत्तर जो है वो नरेंद्र देव होगा। अरविंद का मानसिक संस्कृतियों और सभ्यताओं का विकास चक्रक्रम दर्शन का प्रभाव है। रोमारोला, इसका आंसर होगा रोमारोला। अगला प्रश्न है, निम्नांकित भारतीय विचारकों में से किसने रूसों की सामान्य इच्छा के उत्साह का समर्थन किया? महात्मा गांधी, व्हेन क्राइम पेज मनी एंड मसल इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसके लेखक कौन है? मिलन वैष्णव, रजनी कोठारी की पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया किस उपागम पर लिखी गई है? संरचनात्मक प्रकार्यवाद। संरचनात्मक प्रकार्यवाद। प्रभुत्व तो जाति का विचार तो एम एन श्रीनिवास ने दिया था, ये तो आप सभी जानते होंगे। किसने भारत के हस्तक्षेपवादी राज्य से नियामकीय राज्य में बदलाव का उल्लेख किया है? तो एल रुडोल्फ ने ऐसा लिखा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत कौन सा राज्य स्थापित हुआ था? अब यहाँ चारों का जिक्र इस अधिनियम में आता है, लेकिन उस समय जो स्टेट बने थे वो मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम थे, और मेघालय जो है यूटी यूनियन टेरिटरी बना था, तो यहाँ राज्य स्थापित नहीं हुआ था। मेघालय यूटी स्थापित हुआ था। ब्रेटन वुड्स संस्थाएं हैं तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ये ब्रेटन वुड्स संस्थाएं हैं। ग्लोकलाइजेशन, ग्लोकलाइजेशन सिद्धांत के का प्रतिपादन किसने किया? तो रोलैंड रॉबर्टसन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। चीन डब्ल्यूटीओ का मेंबर कब बना? चीन डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना था 2001 में। वाशिंगटन सहमति, वाशिंगटन कंसेंसस शब्दावली का प्रतिपादन किसने किया? जोन विलियमसन ने इस टर्म को जो है सबसे पहले लेकर के आए थे। बुडापेस्ट सम्मेलन किससे संबंधित है? साइबर क्राइम से संबंधित है। भारत ने अपनी शांति सेना कहाँ नहीं भेजी? तो नाइजीरिया में नहीं भेजी है। पीआईओ किस समिति की अनुशंसा पर बनाया गया था? तो पीआईओ जो है एमएल सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की, ये 2002 में एक हाई लेवल इंडियन डायस्पोरा कमेटी बनाई गई थी, उसके चेयरमैन थे एमएल सिंघवी, नो सॉरी एल एम सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी, तो उनकी अध्यक्षता में ये इस समिति ने अनुशंसाएं दी थी। फिर पीआईओ कार्ड स्कीम लागू हुई, उसी को फिर जो है फिर काफी बदलाव उसमें हुए थे। किसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट के लिए अपनी उम्मीदवारी के संदर्भ में G4 यानी कि भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान देशों के लिए अनुयायियों की तलाश में नेता, यानी भारत, ब्राजील और जर्मनी को कहा कि ये नेता तो बन रहे हैं लेकिन इनके पास अनुयायी नहीं है, लीडर्स इन सर्च ऑफ फॉलोअर्स, किसने कहा? तो ये कहा था स्टीफन सचरिम ने। चैलेंजेज एंड स्ट्रेटजी रीथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, राजीव सिकरी की पुस्तक है। किस विदेश मंत्रियों ने गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व किया? तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मेरे पास उपलब्ध संसाधनों में इसकी करेक्ट जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जो है
गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भाग नहीं लिया। उनके समय फॉरेन मिनिस्टर थे श्यामनंदन मिश्रा। और यहाँ फिर एमसी चावला जो है इंदिरा गांधी के शुरुआती दौर में फॉरेन मिनिस्टर थे, तो शायद इन दोनों में से होना चाहिए, बाकी कंफर्म पता नहीं है। तो ये भी जो है आप अपने हिसाब से देखें। निम्नांकित में से कौन सा या कौन से विद्वान व्यवहारवाद के समर्थक है? तो केवल ए। सॉरी, उत्तर व्यवहारवाद के संदर्भ में डेविड स्टर्न की शब्दावली प्रासंगिकता का मूल मंत्र में शामिल नहीं है, यानी क्रेडो ऑफ रेलेवेंस में कुछ टर्म्स इन्होंने दिए हैं, कुछ तत्व शामिल किए हैं, उनमें तीनों शामिल हैं। प्रासंगिकता भी शामिल है, कार्य भी शामिल, रिलेवेंस एक्शन एंड सब्सटेंस, तीनों चीजें शामिल हैं। तो इसका उत्तर होगा फोर। डेविड स्टर्न का सहयोगी निर्गत में शामिल नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसमें तर्काधार होना चाहिए। यहां भी मैं कंफर्म नहीं हूं। तर्काधार इसलिए होना चाहिए क्योंकि नीतियां भी रिजल्ट होती हैं, न्यायिक निर्णय, निर्णय न्यायिक हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो, राजनीतिक निर्णय, आपका सिस्टम का निर्णय, जो कुछ भी होगा वो एक आउटपुट होगा। और वायदा मांग के बदले, मांग अगर इनपुट होता है, डिमांड यदि इनपुट है, तो उसके बदले नेता या पॉलिटिकल पार्टीज या जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कमिटमेंट करते हैं कि हाँ भाई हम ऐसा करेंगे, तो वो भी एक जो है एसोसिएटेड आउटपुट हो सकता है। तर्काधार का क्या तर्क था ये मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ शामिल किया है। आमंड पावल के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता की श्रेणियां हैं? तो व्यवस्थाकारी, निकासी, वितरणात्मक, उत्तरकारी, रेगुलेटिव, एक्सट्रैक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रेस्पॉन्सिव। एक और भी है, यहाँ चार हैं तो चारों का ही उल्लेख है। सैमुअल पी हंटिंगटन किस देश के बारे में कहते हैं कि राजनीतिक रूप से विकसित हो सक राजनीतिक संस्थाओं के साथ राजनीतिक रूप से विकसित हो सकता है, जबकि आधुनिकीकरण के मामले में अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है? तो यहाँ भी थोड़ा कंफ्यूजन है, भारत के बारे में आई थिंक उन्होंने ऐसा कहा। आमंडन वर्मा ने किस देश की राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक निर्लिप्तता एवं प्रजाभाव संपन्न कहा है? तो ये टर्म जो है जर्मनी के लिए उन्होंने किया है। किस समिति की या आयोग की अनुशंसा पर अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई? तो इसका जो उत्तर होगा सरकारी आयोग। इंटर स्टेट काउंसिल की जो वेबसाइट है उस पर यदि आप जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन किस कमेटी की अनुशंसा पर हुआ, साफ साफ लिखा हुआ सरकारी आयोग की अनुशंसा पर इसका गठन हुआ है। किसने भारतीय संघ को परमोच्चता संघ कहा है? पॉल एस ब्रॉस ने। किसने मार्गेंथाउ के 6 सिद्धांतों का नारीवादी विकल्प प्रस्तुत किया? तो टिकनर ने। किसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अराजकता की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया? तो अलेक्जेंडर वेन ने जो है ये विचार प्रस्तुत किया था। यहां से 92 से लेकर के और 30 30 क्वेश्चन जो है वो मेरी जद से बाहर हैं, यानी कि ये साइकोलॉजी के हैं और मुझे इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पर। मैक्स वेबर राजनीति को क्या मानता है? मैक्स वेबर राजनीति को वोकेशन मानता है, पेशा मानता है, पॉलिटिक्स एज वोकेशन। कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑर्डर एंड हिस्ट्री, ये वाला युग्म सही नहीं है। विचारधारा कांत, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, विचार के समर्थक कौन कौन हैं? तो डेनियल बेल इसके समर्थक हैं और लिपसेट भी इसके समर्थक हैं। तो इसका जो आंसर होगा केवल ए और सी होगा, हर्बर्ट मार्क्यूज विचारधारा के अंत के समर्थक नहीं है।
किस विचारक ने राजनीति में गूढ़ ज्ञानवाद के प्रभाव की आलोचना की? तो बर्डे, इसका जो आंसर होगा वो एरिक वोगेलिन होगा। एरिक वोगेलिन इसका सही आंसर होगा। वेना सर्किल से संबंध कौन से विद्वान नहीं है? तो यहाँ जो है कॉल पोपर, लुडविंग और हैंस केल्सन, ये तीनों जो है किसी न किसी रूप में वियना सर्किल से संबंध थे। भले ही इसकी बैठकें अटेंड करते थे या विचारों का आदान प्रदान होता था, लेकिन प्लेमेंटास का कहीं जिक्र नहीं आता कि वो इससे संबंधित थे। ये सवाल जो सीधा एनसीईआरटी से आया है, आंग सान सू की, कौन सा विचारक स्वतंत्रता को एक सामूहिक लक्ष्य के रूप में मानता है? फ्रीडम इज कलेक्टिव वेंचर, रूसो। कौन सा विचारक मानता है कि प्रत्येक सुसंगत राजनीतिक सिद्धांत का एक सर्वोच्च मूल्य है और वो मूल्य समानता है? तो ये जो है डबोरकिन यहाँ पे होना चाहिए। कौन सा सिद्धांत जॉन रोल्स द्वारा प्रतिपादित न्याय की अवधारणा से संबद्ध नहीं है? तो न्यायपूर्ण हस्तांतरण का सिद्धांत, न्यायपूर्ण हस्तांतरण का सिद्धांत रॉबर्ट नोजिक का सिद्धांत है, जस्ट ट्रांसफर। टीएच मार्शल द्वारा लिखित पुस्तक सिटीजन एंड सोशल क्लास कब लिखी गई थी? तो ये पुस्तक जो है 1950 में लिखी गई थी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से पब्लिश हुई थी 1950 में। भारत शासन अधिनियम के बारे में सही है, 14 भाग थे, सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान था, ये भी सही है। अखिल भारतीय संघ बनाया गया था, ये भी सही है। लेकिन अवशिष्ट शक्तियां जो है वो गवर्नर के पास थी, संघीय विधानमंडल में नहीं थी। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा, केवल एक, दो और तीन। उन्नीस सौ 1935 के भारत शासन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत? जब आप ये सर्च करेंगे गूगल पर, भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो ब्रिटेन की सरकार का एक पेज खुलेगा, दो तीन सजेशन छोड़ करके। उसमें पीडीएफ आप देखेंगे तो वहाँ जो है फिफ्थ आर्टिकल में, या फिफ्थ जो पांचवी धारा है उसमें लिखा गया है फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्थायी सभापति का चुनाव कब हुआ था? तो 9 दिसंबर को पहली हुई थी, उसमें नहीं हुआ। 11 दिसंबर को जो दूसरी सभा हुई थी संविधान सभा की, उसमें ये चुनाव हुआ था। सबसे ज्यादा पहली जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। जीके के सवाल हैं, वैसे आने नहीं चाहिए लेकिन इतने फैक्चुअल सवाल पूछ रहे हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक में सबसे अधिक संख्या में कौन से प्रांत के सदस्य शामिल थे? सबसे ज्यादा सदस्य यदि चुनाव की दृष्टि से देखें तो मद्रास के थे, और ऑलमोस्ट 48 या 49 सदस्य थे मद्रास से। और मद्रास से ही सबसे ज्यादा सदस्य पहली बैठक में शामिल हुए थे, उनकी संख्या थी 43। यहाँ मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, 43 सदस्य जो है मद्रास से शामिल हुए थे पहली बैठक में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में यूनियन शब्द कहाँ से लिया गया है? तो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि कनाडा के संविधान से लिया गया है, लेकिन कनाडा में कहाँ से लिया गया था? तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट था 1867 का, वहाँ से ये लिया गया था और फिर कनाडा से भारत पहुँचा। 51 क में जो है परिरक्षण शब्द किससे संबंधित है? तो हम परिरक्षण करेंगे भारत की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का। यहाँ आप देखेंगे तो समान नागरिक संहिता संबंधित है आर्टिकल 44 से, ठीक है। थर्टी नाइन कै का संबंध किससे है? तो 39 कै का जो संबंध है वो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड से इसका संबंध है। इसका एक्चुअली जो आंसर होगा वो होगा ये 3। भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में उद्देशिका शब्द प्रयुक्त समाजवादी लक्ष्यों से संबंधित है?
समाजवादी का मतलब क्या हुआ कि समानता स्थापित की जाए, सरकार अपनी तरफ से प्रयास करके समानता स्थापित करे, समाज में सामाजिक कल्याण के काम करे। तो यहाँ ये तीनों अनुच्छेद जो है 39, 38, 39 और 46, तीनों जो है सामाजिक कल्याण से संबंधित हैं। तो इसका आंसर ए, बी और सी यानी फोर्थ वाला होगा। आगे बात करें कि क्वेश्चन नंबर 140, अनुच्छेद 15 में क्रम क्या है? तो जाति धर्म है, मूल वंश ये जो जिसने किया है सही नहीं है। इसका सही क्रम होगा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। निम्नांकित में से भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क ग में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो राष्ट्रीय आंदोलन वहां नहीं लिखा गया है, सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ये सब हैं, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन का जिक्र नहीं है। संसद के दोनों सदस्यों के बीच गतिरोध के मामले में राष्ट्रपति का कदम समर्थकारी होगा। भारत का कौन सा प्रधानमंत्री राज्य विधानसभा का सदस्य था? अब यहाँ एग्जैक्ट करेक्ट आंसर नहीं मिल पाया, लेकिन यहाँ निष्कर्ष पर मैं इसलिए पहुंचा हूँ कि इंद्र कुमार गुजराल राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं थे, इंदिरा गांधी नहीं थी, नरेंद्र मोदी और एच डी देवगौड़ा दोनों जो थे वो विधानसभा के सदस्य थे। तो नरेंद्र मोदी ने जो है शपथ लेने से 4-5 दिन पहले, शायद 16 मई या उसके आसपास, उन्होंने जो है चीफ मिनिस्टर और एमएलए से इस्तीफा दे दिया था। जबकि एचडी देवगौड़ा ने किस डेट को इस्तीफा दिया इसका रिकॉर्ड नहीं मिलता है। तो इसका आंसर जो है एचडी देवगौड़ा होगा। निम्नांकित में से कौन राज्यसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को भेजते समय प्रस्तांकित करता है, उस पर एंडोर्स करता है कि ये मनी बिल है, राज्यसभा को ये लिख के कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ये लिख के देता है कि भाई ये मनी बिल है और इस पर आपका जो अधिकार है सीमित है, पास करो तो करो, नहीं तो सजेशंस के साथ 14 दिन में वापस कर दो। राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है? तो तीनों कथन सही हैं। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार भी, हटाने का प्रस्ताव भी राज्यसभा में लाया जाता है, उसके बाद लोकसभा की सहमति उस पर ली जाती है। धन विधेयक के संदर्भ में संशोधन प्रस्तावित करते हैं, बाकी इनका जोर कुछ चलता नहीं है। तदर्थ न्यायाधीशों, एडहोक जज की नियुक्ति का प्रावधान है, तो एडहोक नियुक्ति जज की नियुक्ति का प्रावधान सिर्फ उच्चतम न्यायालय में होता है। उच्च न्यायालय के जजों को यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उचित समझे, तो यदि सुप्रीम कोर्ट में जजों की कमी है, कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट बुला सकता है उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके। तो इसका सही आंसर जो है केवल एक होगा। राज्यपाल राहत कोष का गठन कब किया गया था? तो राज्यपाल राहत कोष का जो गठन है 1973 में किया था, राजभवन की वेबसाइट पर जाकर आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा। कौन से सदस्य जो है भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे? तो इसका आंसर टीकाराम पालीवाल जी हैं। जहां प्रश्न उठता है कि राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न अंतिम विनिश्चय के लिए किसको दिया जाएगा? इसका उत्तर होगा सच मेंबर ऑफ द हाउस एज द हाउस में इलेक्ट इन दिस बिहाफ, सदन के ऐसे सदस्य के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसे वह सदन इस निमित्त निर्वाचित करे। और इसका आपको रेफरेंस देखना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में जाकर के एंटी डिफेक्शन लॉ आप देख सकते हैं, वहाँ ये आपको क्रॉस चेक कर सकते हैं वहाँ। निम्नांकित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य स्थान या प्रिंसिपल सीट के अधिकार में नहीं है? तो हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जाइए, देखिए आपको मिलेगा कि झालावाड़ जिला जो है
वो जोधपुर सीट के में नहीं आता, जयपुर की जो बेंच है खंडपीठ के अंतर्गत आता है। तो ये थे आंसर की आरपीएससी संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर के लिए। उम्मीद है आपने अच्छे से पेपर किया होगा और अच्छे मार्क्स अर्जित किए होंगे। कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, संभावित परफेक्शन का दावा मैं नहीं कर रहा, उन्हें आप मुझे भी सजेशन दें क्या गलत है, क्या मुझे करेक्शन करना चाहिए, मैं भी आप ही लोगों से सीखता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।